रुद्रप्रयाग पुलिस आगामी 2024 की विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारियों में जुट गई है ताकि समय से पहले सभी व्यवस्थाएं ठीक की जा सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने कहा कि पिछले वर्ष के अनुभवों और केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अभी से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में पुलिस प्रशासन जुट गया है। साथ ही उन सभी स्थानों का निरीक्षण भी किया जा रहा है जहां पर दिक्कतें आ सकती है। इस बार केदारनाथ पैदल मार्ग पर जहां पर भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सभी थाना और चौकियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 2024 की केदारनाथ धाम की यात्रा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हमने यात्रा मार्ग का जो है निरीक्षण किया है। इसमें जहाँ जहाँ पे सड़क टूट फूट हुई है या लैंडस्लाइड हुआ है उन मार्गों को भी देखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारे थाने और चौकी यात्रा रूट में आते हैं उनको भी उनके व्यवस्थितीकरण एवं सौंदर्यकरण के लिए जो है निर्देशित किया गया है। साथ साथ जो हमारा केदारनाथ की मेन पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड है वहाँ पर भी निर्माण कार्य जो है वो प्रगतिशील है। जो हमारी पुलिस का बल रहता है उसको रहने की व्यवस्था है उनको भी चेक किया गया। उसके साथ साथ जो गौरीकुंड में हमारा फोर्स रहता है उनकी रहने की व्यवस्था है और चौकी का सौंदर्यकरण को भी चेक किया गया है।